नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूँ प्रियंका उपल और बाजार में हम देख रहे हैं कि सुबह जिस तेजी के साथ बाजार में ट्रेड हो रहा था वहां से थोड़ा सा बाजार ऊपर से गेंद को इरोड किया है, लेकिन 15,800 एक बड़ा सपोर्ट है जिसे बाजार ने जरूर बनाकर रखा हुआ है। बाइंग आपको अक्रॉस द सेक्टर्स में दिखाई दे रही है, बैंकिंग शेयरों से भी सहारा मिल रहा है और रिलायंस भी बाजार को सहारा दे रहा है फिलहाल। लेकिन कहां सबसे बड़े गेंस देखने को मिल रहे हैं, एक बार चलिए पहले आपकी पांच बड़ी बातें इस वक्त बाजार की समझ लेते हैं। तो लगातार 6 दिनों की गिरावट थम चुकी है, निफ्टी इस वक्त 15,850 के पास है, लेकिन क्या ये तेजी आगे बढ़ेगी, सस्टेन्ड होगी, इस पर चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट से राय भी लेंगे कि इंडेक्स पर क्या करना होगा। दूसरी बड़ी बात, बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस में आपको आज एक्शन दिख रहा है। बैंक इंडेक्स आप देखें और बैंक निफ्टी भी लगभग 400 पॉइंट से ज्यादा के गेंस इस वक्त, लगभग 400 पॉइंट्स के गेंस आपको बैंक निफ्टी पर दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए। तीसरी बड़ी सवाल, ऑटो स्पेस पर किस तरह की मूव्स आगे आने वाले दिनों में भी पॉसिबल है। आज तो हम देख रहे हैं ऑटो पैक अच्छा चल रहा है, ऑन द बैक ऑफ दमदार कैपेक्स टाटा मोटर्स की तरफ से आए, मारुति की तरफ से वीकेंड ओवर द वीकेंड आई न्यूज, और उसके बाद पूरे स्पेस में आप रिवाइवल आयशा मोटर की कमेंट्री अच्छी भी। चौथी बड़ी सवाल, सीमेंट पैक पर क्या नजरिया होना चाहिए। अदानी और होल्सन डील से सीमेंट शेयर आज तो तेज है, एसीसी चढ़ा हुआ है, अंबुजा में तेजी है, इंडिया सीमेंट तेज है, लेकिन क्या अब इसके बाद इस पूरे स्पेस पर क्या नजरिया आगे रखना होगा। पांचवा बड़ा सवाल, इंडिया विक्स अब करीब 2.5% ऊपर है, 24 के पास है इंडिया विक्स। अब जब इंडिया विक्स अगर बढ़ते जा रहा हो तो क्या बाजार में फियर फैक्टर हैवी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी बातें इस पर अब नजरिया रखेंगे। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ इनफैक्ट अब बाजार पर नजरिया देने के लिए अजीत मिश्रा भी बने हुए, लेकिन उससे पहले एक बार वेरी क्विकली बाजार को देख लेते हैं। तो क्लियरली आपको दो स्पेस तो बाजार पर क्लियरली आज पॉजिटिवली प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको ऑटो पैक दिखाई दे रहा है, आयशा मोटर टॉप गेनर है जस्ट ऑन द पोस्ट द नंबर्स जिस तरह की मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आई। उसके अलावा आपको मारुति सुजुकी, यहाँ पर उन्होंने बड़े रॉबस्ट प्लान्स बताए अपने कैपेक्स को लेकर, अपने एक्सपेंशन को लेकर। टाटा मोटर्स ने अपने प्लान्स बताए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरा ऑटो पैक आपको वाइब्रेंट दिख रहा है। दूसरा पैक सीमेंट पैक, बड़ी डील एसीसी अंबुजा होलसम के इंडिया असेट्स अब अदानी खरीदेगा और इसके चलते हम पूरा सीमेंट पैक को वाइब्रेंट देख रहे हैं। इन सब पर क्या नज़रिया रखना होगा, हमारे साथ अजीत भी। अजीत वेलकम टू मीटिंग ऑफ स्वदेश, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पे आपका एक नज़रिया लेना चाहेंगे, 15,800 क्या बड़ा सपोर्ट है? जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम सेफ जोन में हैं, क्या आप ये मानते हैं? क्योंकि बाजार ने ऊपर सुबह के जो मॉर्निंग गेंस है उसको थोड़ा सा तो इरोड किया है, लेकिन व्हाट इज द बिगेस्ट सपोर्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका। तो प्रियंका देखिए, 5 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद आज का सेशन थोड़ा सा पॉजिटिव टोन पे जरूर शुरुआत हुई थी, बट जैसे कि आपने भी बताया कि ऊपर से गेन फेड हो रहे हैं तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सपोर्ट मेरे हिसाब से 15,650, जो कि मेक मार्च मंथ के जब लोज से ऑलमोस्ट उसके पास हम आ चुके हैं, तो वो क्रिटिकल मेक और ब्रेक है। बट क्योंकि मार्केट 5 हफ्तों की गिरावट के ऑलरेडी झेल चुका है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेशन की चांसेस ज्यादा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है बैंकिंग इंडेक्स में, जहाँ पे कि पोस्ट एसबीआई नंबर्स फ्राइडे को काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था, तो वो 34,000 के क्रॉस नहीं करता है तो फिर प्रेशर ये बना रहेगा बाजार में हायर लेवल्स पे। तो अभी के हिसाब से मान के चलिए कि 15,650 ये आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की रैक करेगा, और आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है फॉर एनी मीनिंगफुल रिकवरी। और अपसाइड पे 16,100 मेरे हिसाब से काफी क्रिटिकल रहेगा, उसके ऊपर आप देखेंगे काफी अच्छी कवरिंग होते हुए। तो ब्रॉडली मान के चलिए 15,650 से लेकर 16,100 ये रेंज प्ले करेगा निफ्टी इन द नियर फ्यूचर। ओके, ठीक है, 16,100 एक रेंज है जहाँ तक बाजार इस वक्त है, लेकिन अभी फिलहाल बाय जोन में देख रहे हैं अजीत से, और 16,100 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी की राय भी दे रहे हैं। एफएनओ स्टॉक्स देख लेते हैं आज कहाँ कहाँ आपको मूव दिख रही है, लेकिन जैसे आपने अजीत बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स अगर ये सहारा देंगे तो बाजार ऊपर की तरफ आएगा, बैंक निफ्टी पर फिर क्या व्यू रखना चाहिए? अभी तो फिलहाल आपको पीएसयू स्पेस से, पीएसयू बैंक से आपको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अगर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें तो ऑफकोर्स इट विल हेल्प। बैंकिंग इंडेक्स पर क्या होगा व्यू आपका? बैंकिंग इंडेक्स क्योंकि 34,000 का लेवल ऊपर की साइड पर उन्होंने बात कर ली है, नीचे पे मुझे लगता है कि 32,500 से लेकर 31,800 का जोन ये काफी क्रिटिकल होने वाला है आने वाले दिनों में। और जैसे कि आपने बताया कि विद इन दी बैंकिंग पैक
देखिए मिक्स्ड है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट बैंक्स में भी प्रेशर है, मतलब अगर आप बात करें आईसीआईसीआई, वहाँ पे भी काफी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला। इंडसइंड बैंक वो भी स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे केवल कोटक है जहाँ पे की काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और पीएसयू बैंक्स में देखें तो लार्जली देखिए हर जगह ही प्रेशर है, एक्सेप्ट एक दो काउंटर जहाँ पे की आज रिबाउंड देखने को मिला है, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा और थोड़ा बहुत एसबीआई में भी। बट ओवरऑल अगर बात करें तो मेरे हिसाब से आपको इंडेक्स के साथ के हिसाब से ही व्यू बनाना चाहिए। जब तक 34,000 के नीचे तो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे बैंक्स में। बट कोटक अगर मैं बात करूँ, एक लौता नाम ऐसा है विद इन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जहाँ पे आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि अगर रिबाउंड आएगा तो फर्स्ट वहीं पे आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। 34,000 एक बड़ा एक रेजिस्टेंस भी है जिसके नीचे अगर बैंक्स कारोबार कर रहे हैं तो वो एक कंसर्न जिस तरह से बता रहे हैं अजीत। चलिए ठीक है अजीत, ऐसे में ट्रेडिंग के मौके कहाँ कहाँ ढूंढने चाहिए? हमने देखा कि ऑटो स्पेस तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब टायर स्टॉक्स को भी देखिए। आज हमने एक एक्सक्लूसिव भी ब्रेक की थी कि टायर स्टॉक्स के लिए आप 5-स्टार रेटिंग की बात की जा रही है। उसके बाद आप देखें इम्पैक्ट, देखें बालाकृष्ण 6.5%, 6.5% तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। ऑटो, ऑटो एंसिलरी पूरा पैक आपको इस वक्त वाइट वर्न दिख रहा है। यहाँ पर आपको तेजी से लॉन्ग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आयशर मोटर जैसे काउंटर, मारुति सुजुकी जैसे काउंटर ऑलरेडी तेज है, लेकिन अब यहाँ और कहाँ मौके हो सकते हैं अगर यहाँ से किसी को लॉन्ग के ट्रेड्स ढूंढने हो तो? देखिए यहाँ पे ज्यादातर सेक्टर्स नेगेटिव साइड पे इंक्लाइन है, बट कोई यू नो ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि अभी भी पॉजिटिव बायस दिख रहा है, और सिलेक्टिवली एफएमसीजी में भी इस तरीके का ट्रेंड दिख रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि एमएनएम काफी स्टेबल काउंटर है विद इन दी ऑटो स्पेस। अगर आप देखेंगे तो यू नो ऑफ लेट जो पूरा डिक्लाइन भी हुआ उसमें कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया है, इनफैक्ट अभी भी यू नो अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एमएनएम काफी अच्छा कैंडिडेट है टू गो फ्रेश लॉन्ग। यहाँ पे 885 के स्टॉप लॉस के साथ 940-945 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। बट क्योंकि मार्केट में देखिए अभी भी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है तो थोड़ा शॉर्ट की साइड पे पोजिशन होनी चाहिए। तो यहाँ एशियन पेंट्स में फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे, और नियर टर्म पे करीब 2940 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं कि एशियन पेंट्स आपको दिखा दे। तो यहाँ पे आप 3085 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट्स में शॉर्ट के लिए पोजिशन बना सकते हैं। ओके तो ये दो रिकमेंडेशन होंगी, एमएनएम पर बाय की राय है अजीत की, और एशियन पेंट्स को वो शॉर्ट करने का मौका दे रहे हैं। जैसे क्रूड की चाल भी हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी वर्सेटाइल बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसे में एक बार उस स्टोरी को रिविजिट कर लेते हैं जिसके बाद हम कर रहे थे कि टायर स्टॉक्स आज क्यों तेज है, अपोलो टायर, बालकृष्ण, वहाँ पर आज मूव की क्या वजह है? आज समीर ने एक एक्सक्लूसिव शेयर किया आज हमारे साथ, आइए एक बार फिर से उसे रिविजिट करते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है टायर सेक्टर से। सरकार जल्द ही टायरों के लिए, मसलन वो टायर जो आप अपने फोर व्हीलर या टू व्हीलर में इस्तेमाल करते हैं, तो इन टायरों के लिए सरकार जल्द ही स्टार रेटिंग लागू कर सकती है। मसलन जिस तरीके से अभी आपके एसी या फ्रिज में स्टार रेटिंग बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से लागू की जाती है कि ये 3 स्टार है, ये 5 स्टार का फ्रिज है, ठीक वैसा ही पैटर्न टायरों के लिए भी लागू होगा। टायरों के लिए भी स्टार रेटिंग जारी की जाएगी, और इसमें सूत्र ये भी बताते हैं कि खाका कुछ यूं तैयार हो रहा है कि जितना बेहतर टायर रेटिंग उसको मिलेगा स्टार रेटिंग, मसलन 5 स्टार रेटिंग अगर दी जाती है तो वो टायर जिस गाड़ी में लगेगा तो उस गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी में 5% से 10% तक का सुधार देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप 5 स्टार रेटेड टायर का इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी आपकी गाड़ी की 5% से 10% तक उसमें सुधार हो सकता है। यही नहीं, सरकार को लगता है कि इस एक कदम के जरिए भारत में जो सब स्टैंडर्ड या घटिया क्वालिटी के टायर इंपोर्ट होते हैं या डंप होते हैं उस पर भी वो काफी हद तक रोक लगा पाएगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी सरकार काफी बल दे पाएगी कि वो घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करें कि वो बेहतर क्वालिटी के टायर यहां पर ग्राहकों के लिए बनाएं। तो इस एक कदम के जरिए सरकार कई फायदे देख रही है। इस दिशा में सूत्र बता रहे हैं कि एआरएआई जो कि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत विभाग है, उसने सभी स्टेक होल्डर से विशेषकर जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके साथ विस्तृत बातचीत की है। फाइनल नोट लगभग तैयार है, माना जा रहा है कि एक फाइनल नोट अगले 2 से 3 महीने में जारी किया जा सकता है, और उसके बाद ये बहुत संभव है कि जब आप टायर खरीदने जाए अपनी गाड़ियों के लिए तो वो टायर का चुनाव आप स्टार रेटिंग के आधार पर करेंगे। चले तो ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप आज टायर स्टॉक्स को भी सर्ज देख रहे हैं उनमें। दूसरा कौन से स्पेसेस हैं जहां पर आपको तेजी से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अजीत, हमने सुबह मॉर्निंग में देखा था जितने भी डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल काउंटर्स थे, क्योंकि वहां पर एक कंपटीशन स्पेस स्पेस में कंपटीशन बढ़ने वाला है विद टाटा न्यू यूनिट गेटिंग एडेड, उसके चलते हमने देखा कि इस स्पेस में थोड़ा दबाव था मॉर्निंग ट्रेड में। लेकिन अब वहां पर
आपको रिकवरी दिख रही है, अपोलो अपोलो हॉस्पिटल को आप देखें तो वहां पर शॉट्स जरूर रिकवर हुए हैं, यहां पर कोई और ट्रेड बनता है? प्रियंका थोड़ा सा रीबाउंड जरूर दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल में, काफी शार्प डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे भी। अगर मैं इस मंथ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 18% काइंड ऑफ डिक्लाइन ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये जोन काफी इंपॉर्टेंट था, तो बेसिकली 3600 के अराउंड पे जहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशंस की वजह से डेफिनेटली एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटी बनती है, और मेरे हिसाब से 3560 ये आपका स्टॉप होना चाहिए फॉर एनी फ्रेश लॉन्ग्स, बट जस्ट फॉर अ रीबाउंड तो अगर आप प्ले कर रहे हैं तो फिर आपको 3850 के बीच में आपको बुक भी करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से 1:2 का है, फेवरेबल है, यू कैन कंसिडर गोइंग लॉन्ग इन अपोलो हॉस्पिटल। उसके अलावा जैसे आपने बताया कि ऑटो स्टॉक्स के अलावा टायर स्टॉक्स में डेफिनेटली अपोलो टायर्स यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 210 के ऊपर इसमें करीब करीब 225 तक के पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग के लिए पोजिशन देख सकते हैं 200 के स्टॉक के साथ। ओके, तो एक रेकमेंडेशन और अजीत यहाँ ऐड करना चाहते हैं अपोलो टायर्स पे, तो क्या कैश में खरीदारी करने की सलाह होगी या फिर आप कोई ऑप्शन का ट्रेड बताएंगे? देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी ऑप्शन, आपको तो कैश में ही बेटर रहेगा कि आप पोजीशन को करें, पोजिशनल टारगेट लेके चले 220-225 का। अजीत, ऐसे बाजार में क्या हेज स्ट्रैटेजी भी रखनी चाहिए जब एक तरफ डायरेक्शन आज बाजार को भले ही चाहे मिली हो लेकिन गेन्स इरोड हुए और सेकंड हाफ का तो बिल्कुल भरोसा नहीं, और ओवरनाइट पोजीशंस तो बिल्कुल भी इस वक्त कैरी नहीं कर सकते, तो क्या कहीं शॉर्ट के मौके भी ढूंढने चाहिए? आपने एशियन पेंट्स एक तो स्टॉक बताया लेकिन जिस तरह से आज शॉर्ट्स आपको कई सारे काउंटर्स पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, आईटी पैक थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, हालांकि उम्मीद थी कि शायद यहाँ बाउंस बैक हो पोस्ट द नैस्टैक मूव ऑन फ्राइडे, लेकिन वहां से किसी तरह का सपोर्ट बाजार को नहीं मिला, कोई और शॉर्ट के मौके आपको लगते हो? देखिए शॉर्ट में मेरे हिसाब से एसईएल टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डेफिनेटली एक अभी तक वो गिरावट नहीं आई है जिस तरीके से दूसरे आईटी मेजर्स में आई है, नो डाउट स्ट्रेंथ है, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑफ लेट इसमें कंसोलिडेशन हुआ है तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस वो 20 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्गली एक्ट कर रहा है करीब 1070-75 के जोन में, तो मुझे लगता है कि यहाँ से पोटेंशियल है, अगर मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आती है आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा ये बढ़ता है प्रेशर तो डेफिनेटली एचसीएल टेक्नोलॉजीज में नियर टर्म पे एक प्रेशर देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक को करीब 990-985 तक के लेवल तक ड्रैग कर सकता है, तो यहाँ पे आप थ्रू पुट ऑप्शंस डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं गोइंग शॉर्ट 1080 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट अजीत, साथ ही कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस इस पे भी देखें, यहाँ पर भी अच्छे खासे शॉर्ट बने हुए दिखाई दे रहे हैं, मैरिको को देखें, हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं है लेकिन मैरिको को देखें आप, ब्रिटानिया को देखें, यहाँ पर क्या आपको लगता है कि आज थोड़ा सा बाजार डिफेंसिव मोड में नहीं है तो FMCG, फार्मा ये स्पेसेस नहीं चल रहे, फार्मा में बायोकॉन या ल्यूपिन और फार्मा ये सारे आज नेगेटिवली कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर कोई और मौका होना चाहिए ट्रेड का? यहाँ पे काइंड ऑफ अ मिक्स ट्रेंड है, ब्रिटानिया मैरिको इंट्राडे के हिसाब से शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे कमजोरी जरूर दिख रही है, बट ओवरऑल आप बात करेंगे रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, और फार्मा डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर है 52 वीक्स ले उसके पास से ट्रेड कर रहा है अपना, और अभी भी ये प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है इसके की काफी ज्यादा डिक्लाइन देख चुके हैं, तो मुझे लगता है नियर टर्म में ग्रेजुअली ये मूव एक्सटेंड हो सकता है करीब 500-480 के लेवल्स के लिए, तो यहाँ पे आप शॉर्ट्स की पोजीशन देख सकते हैं ऑन एनी बाउंस क्लोज टू अराउंड 560-65 के जोन में, आप वहाँ पे शॉर्ट बनाएं 575 के स्टॉप लॉस के साथ 510-500 तक के टारगेट्स के लिए। अजीत, अगर इंडेक्स की स्ट्राइक्स को देखें तो ऊपर की स्ट्राइक्स पे इतना कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा, भले थोड़े बहुत आपको लॉन्ग्स बनते हुए या ओपन इंटरेस्ट एडिशन आपको 16, 100, 16, 200 की कॉल्स पे बना हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है इतना बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बहुत लिमिटेड दिख रहा है ऊपर की स्ट्राइक्स पे, तो ऐसे में क्या थोड़ी सी सेकंड हाफ में किसी तरह का ट्रेड रिवर्स भी हो सकता है? देखिए जैसे कि लास्ट हमने फ्राइडे में भी देखा था कि इनिशियली थोड़ा सा मार्केट का बायस पॉजिटिव साइड पे था, बट एसबीआई के नंबर्स के बाद काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, तो डेफिनेटली मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ बाजार पे जब तक कि 16-100 को ब्रेक नहीं करते हैं। ये है कि क्योंकि 5 हफ्ते की गिरावट के बाद ओवरसोल्ड जरूर है मार्केट, तो इतना ईजी नहीं होगा, एक ट्रेंडिंग मूव मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो बट तब भी 15650 जो कि प्रीवियस लो था वहां तक के लिए डेफिनेटली आप देख सकते हैं इंडेक्स को मूव करते हुए, तो इंट्राडे में भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर एक बार 15780 के लेवल्स स्पॉट में करीब 30 पॉइंट डाउन करंट लेवल से अगर देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली इंट्राडे में भी आप देखेंगे प्रेशर गहराता हुआ मार्केट में, और हो सकता है कि शायद आपको 15650 के लेवल्स आदि दिख जाए, तो डेफिनेटली आपको चाहिए इन इंडेक्स ऑल्सो। All right.
जाए, ठीक है, तो जब तक 16,100 ब्रेक नहीं होता तब तक बहुत ज़्यादा बुलिश सिग्नल नहीं दिखते हैं यहाँ पर अजीत को। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ आज जोरदार तेजी है। एवेन्यू सुपर मार्केट काउंटर को देखें, डी मार्ट 6.5% इस वक्त तेज है, और इसके रीज़न है कि यहाँ रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स में ऐसा क्या कुछ खास निकल कर आया, मैनेजमेंट की क्या कॉमेंट्री रही, नंबर्स कैसे रहे, ये बताने के लिए हमारे साथ विनी जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे एक बार समझ लेते हैं। विनी, बताएं आज इस बार डीमार्ट के रिजल्ट जो है अच्छी खासी तेज़ी तो हम देख रहे हैं, बड़ी वजह क्या है, कैसे रहे हैं, ऐसे एनालिसिस कैसे करेंगे इन रिजल्ट्स को? डीमार्ट जो जिसकी लिस्टेड कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, उन्होंने अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए थे ओवर द वीकेंड। Q4 के नंबर्स देखे जाए तो ब्रॉडली इन लाइन विथ एस्टिमेट्स है। वहाँ पे मेनली रेवेन्यू ग्रोथ आई है अराउंड 18% की, इबिट्टा मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखी है और इबिट्टा भी की ग्रोथ है, अराउंड 20% की ग्रोथ भी दिख रही है। नाउ मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो मेनली क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स लिए थे, कॉस्ट सेविंग मेजर्स लिए थे, जिसकी वजह से बेनिफिट हो रहा है और हम लोग एक थोड़ा एक्सपेंशन देख रहे हैं इबिटा मार्जिन में। रेवेन्यू, अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ भी दिख रही है अराउंड 18% की, वो क्यों है? मेनली वो जो स्टोर एक्सपेंशन कंपनी का है वो काफ़ी अग्रेसिव हो चुका है। कंपनी ने ऐड किया है 21 स्टोर्स ये टाइम क्वार्टर फोर में ओवरऑल कंपेयर, और उनकी टोटल जो स्टोर काउंट हो गई है अभी वो है 284 स्टोर्स, और मेन जो स्टोर एडिशन हुए है वो है महाराष्ट्र और कर्नाटका रीजन में, और ये जो एक्सपेंशन प्लान थी वो बेटर देन जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी वहाँ से, उससे बेटर है। तो ये जो अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन है उसकी वजह से हम लोग एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं रेवेन्यू में कंपनी के लिए। उसके अलावा सेल्स की बात करते हैं तो जो जनरल मर्चेंडाइज सेल्स है वो थोड़ा इम्पैक्ट अभी भी उन पर बड़ा चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट रहा है। नाउ एफएमसीजी बिजनेस उनका अच्छा कर रहा है, रिकवरी अच्छी हो रही है, मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया हुआ है। जनवरी में थोड़ा इम्पैक्ट था ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से, पर मार्च में रिकवरी काफ़ी अच्छी दिख रही है कंपनी को। नॉन एफएमसीजी जो बिजनेस है, डिस्क्रिशनरी आइटम्स है, वहाँ पे मे भी थोड़ा लोअर ग्रोथ दिख सकेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट किसका है, वेदर इन्फ्लेशन की वजह से डिस्क्रिशनरी पे इम्पैक्ट है या ओमाइक्रॉन की वजह से इम्पैक्ट है, ये एक फैक्टर वॉच आउट करने के लिए ये मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया हुआ है। तो आगे जाते ये एक फैक्टर ध्यान रखेंगे और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये फिगर आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टू क्वार्टर्स में कैसे चल रहा है। एज ऑफ नाउ स्टॉक तो काफ़ी पॉजिटिव मूव हो रहा है, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, स्टॉक एक्सपेंशन पॉजिटिव है, तो स्ट्रीट श्योरली चीयर कर रहा है डी मार्ट के अर्निंग्स को। और राय बिल्कुल, शुक्रिया विनी साहब रिजल्ट पर अपडेट देने के लिए। तो इसे अगर ब्रेक डाउन करें इसे इस तरह से देखना चाहिए कि जो एफएमसीजी सेगमेंट है उनका, वहाँ पर थोड़ी सी धीमी ग्रोथ है। नॉन डिस्क्रिशनरी नॉन एफएमसीजी बिजनेस में आपकी जगह वहाँ धीमी ग्रोथ है, लेकिन एफएमसीजी सेगमेंट में आपको रिकवरी अच्छी देखने को मिली है और बाज़ार उसे रिवॉर्ड कर रहा है क्लियरली। इस वक्त अगर हम मार्केट्स को भी आप देखें तो 15,800 के ऊपर तो हम कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की स्ट्रेंथ बाज़ार को दिखानी होगी अगर उसे एक तरफा वन डायरेक्शनल ट्रेड्स लेने हैं तो, क्योंकि ऊपर की जो स्ट्राइक्स हैं और 16,100 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है अजीत मान रहे हैं, जिसके चलते हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर की स्ट्राइक्स में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई नहीं रहा है। 16,100, 16,200, 16,400 वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट एडिशन। कौन से और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब भी पोजिशन ली जा सकती है? आज कमोडिटीज़ भी अच्छा प्ले कर रही हैं अजीत, टाटा स्टील हो, वेदांता हो, हिंडालको हो, एल्युमिनियम स्टील, सभी में अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। बट जिस तरह से साइकिल अभी फ़िलहाल बहुत मूव्स सस्टेनेबल नहीं लगती हैं, क्या लगता है आपको इस पर? अगर किसी को ऑप्शंस के जरिए प्ले करना हो, कोई सेफ स्ट्रैटेजी लेनी हो टाटा स्टील या फिर हिंडालको जैसे काउंटर में, तो क्या ले सकते हैं? वॉट कैन बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी? जैसे आपने बताया कि उतने डिसाइसिव मूव नहीं है, इनफैक्ट अगर आप बात करें तो लास्ट वीक सबसे ज्यादा गिरने वाले पैक में एनर्जी और मेटल्स ही थे, करीब 10% से ज्यादा के डिक्लाइन देखने को मिले थे दोनों ही इंडाइसेस में, तो स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा हैमरिंग हुई थी। बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि जिंदल स्टील यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है करीब 440 के अराउंड पे है, 460 के अराउंड पे काउंटर ट्रेड कर रहा है, ज्यादा यहाँ से डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि रेंज बाउंड चला जाएगा या फिर एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनेगी करीब 490 से लेकर 500 तक। तो बट मैं, क्योंकि देखिए इंडेक्स के अगेंस्ट जाना थोड़ा सा वो होगा, सही नहीं होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो ऑटो सेक्टर सेलेक्ट एफएमसीजी में है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वही होनी चाहिए। बट अगर आपके पास किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली जिंदल स्टील
वहां पे आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स में आपको रिबाउंड पे एग्जिट के बारे में ही सोचना होगा, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो हिंडालको हो। हिंडालको में एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन से तो एक रिबाउंड जरूर है, पॉसिबिलिटी है, बट डिसाइसिव मूव यू नो व्हेन इट कम्स टू मार्केट का ही जब नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके के वीक सेक्टर में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बट जिंदल स्टील में यू नो कंपैरेटिवली अगर आप बात करें तो 450 का एक स्टॉप ये होना चाहिए अगर किसी को प्ले ही करना है मेटल के रिबाउंड को, 480-485 तक के टारगेट्स के लिए। वेरी क्विक वन लास्ट क्वेश्चन अजीत, उन काउंटर्स में क्या करें जिनमें आज रिजल्ट्स आने वाले, एफएनओ में भारत फोर्ज, एमसीएक्स, इनके रिजल्ट्स हैं, दोनों में अच्छा मोमेंटम है अभी और एमसीएक्स के रिजल्ट तो अच्छे एंटिसिपेट करने चाहिए जिस तरह से कमोडिटी प्ले रहा है, जाहिर तौर पर यहाँ पर ट्रेडिंग भी ज़्यादा हुई होगी, तो यहाँ पर किस तरह के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं कोई ऑप्शन के जरिए, अगर आपको लगता है एमसीएक्स पर ट्रेड लिया जा सकता हो, भारत फोर्ज पर लिया जा सकता हो? देखिए एमसीएक्स में अभी यहाँ पे भी गिरावट अभी थमी नहीं है, बट हाँ एक चीज ये है कि 1070-50 का जोन है वो डेफिनेटली एक सपोर्ट एरिया है, और वॉल्यूम ड्राई हो गए हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है, तो एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटी है, बट तब भी मैं कहूंगा कि एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे अभी अवॉइड करने चाहिए, और भारत फोर्ज कंपेरेटिवली मुझे जरूर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, तो यहाँ पे आपको 600 या 650 वाली कॉल उसको आप लेके जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 620 का होना चाहिए। जिस तरीके से इसने ऑफलेट अभी अपने प्रीवियस स्विंग लो के ऑलमोस्ट टेस्ट करके रिबाउंड दिखा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस मूव को एक्सटेंड करे और नियर टर्म में करीब 670 से लेकर 680 तक के लेवल देखने को मिल जाए, तो उसके हिसाब से आप 620 के स्टॉक के साथ भारत फोर्ज की 650 या 600 वाली कॉल को लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऑलराइट, एब्सोल्युटली, भारत फोर्ज के इनफैक्ट रिजल्ट्स आ गए हैं, एमसीएक्स के अवेटेड है, लेकिन इस दो तरह से प्ले कर सकते हैं आप, भारत फोर्ज पर 680 के लक्ष्य के लिए कैश में बाइंग कर सकते हैं, या फिर अजीत ने बताया कि 640 की ऑप्शंस की कॉल भी आप खरीद सकते हैं भारत फोर्ज की विद दिस व्यू, और एमसीएक्स पर क्या व्यू रहेगा अजीत? ये M6 मैं अवॉइड करने की रिकमेंडेशन दूंगा जब तक कि मेरे को नीचे पे करीब 1070 के लेवल्स ना मिल जाएं, या फिर मेरे को एक कुछ रिवर्सल के साइन दिखे यहाँ पे, कुछ यू नो 2-3 दिन के लिए कंसोलिडेशन हो स्टॉक में, और अपसाइड क्योंकि कैप लग रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली यू कैन मेंटेन 1070 के स्टॉक के साथ, फ्रेश पोजीशंस अभी अवॉइड करें। श्योर, अग्रीड, लेट्स जस्ट स्किप दैट, अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं रहा। फाइनेंस काउंटर्स को कैसे देखें, कैसे प्ले आउट करें यहाँ पर, हालांकि बैंकिंग आपने भी बताया कि 34,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जब तक उसके ऊपर नहीं होता बाजार में डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं मिल पाएगी। अब फिलहाल आप देखें बैंकिंग इंडेक्स में लगभग 100-odd पॉइंट्स अभी बढ़े भी हैं, और आप पिछले कुछ मिनटों में देखें तो तेज़ी आपको बैंकिंग काउंटर्स में देखने को भी मिली है। आप यहाँ पर इनफैक्ट SBI ने और अपनी तेज़ी को पकड़ा है, तो PSU स्पेस तो आज अच्छा चल रहा है, लेकिन फाइनेंस काउंटर लाइक M&M फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, फाइनेंस का चोला मंडल फाइनेंस काफ़ी दिनों के बाद आज परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर कोई प्ले कर सकते हैं, कोई स्टॉक यहाँ रखें? यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो चोला फाइनेंस में ही है, स्टॉक ने नो डाउट यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, इस महीने करीब अपने रिकॉर्ड हाई से 13% के करीब के डिक्लाइन देखने जरूर मिले हैं, बट कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो एक यू नो रिकॉर्ड हाई से प्रॉफिट टेकिंग आना और किसी स्टॉक का अपने 52-week लो पे होना, दैट इज डिफरेंट, तो ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, और अगर बैंकिंग में थोड़ा भी रिकवरी आती है तो डेफिनेटली ये यू नो उसमें ऐड करेगा, इसमें फ्यूल जो इसका रीबाउंड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जब तक 620 होल्ड कर रहा है तब तक डेफिनेटली यू शुड कंटिन्यू विद बाय ऑन डिप्स, और पोजिशनली करीब 680-685 तक के लेवल्स आप चोला फाइनेंस में देख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपनी सारी रिकमेंडेशन हमसे शेयर करने के लिए, सारे मैटर्स पर, इन सारे क्वेश्चंस पर आंसर हमें व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई और डिस्क्लोजर? देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस नहीं है मेरी, बट हमारी क्लाइंट्स की डेफिनेटली पोजीशंस हो सकती है इनमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। तो मार्केट्स पर एक व्यू अगर वेरी क्विकली वी टेक बिफोर वी रैप, तो यहाँ पर आपको फिर से 15,800 के ऊपर एक बड़ा सपोर्ट जिसके ऊपर तो बाजार कारोबार कर रहा है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहा है, लेड मेजरली बाय द बैंक्स, PSU स्पेस के बैंक्स, जहाँ जहाँ भी रिजल्ट आए वहाँ अच्छी मूव है, SBI, बंधन बैंक, BOB वहाँ अच्छी मूव्स है, लेकिन प्राइवेट स्पेस बैंक से थोड़ी पार्टिसिपेशन कम है। अगर यहाँ से पार्टिसिपेशन मिलती है, बाजार को सहारा मिलता है HDFC बैंक जैसे काउंटर से, तो जाहिर तौर पर एक नेक्स्ट लेग ऑफ रनअप हम देख सकते हैं। तो फिलहाल लेट्स रैप द शो।